डार्लिंग्स, वी आर हियर अगेन। एज वी ऑल नो, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कल्की 2898 AD के मेकर्स ने एक न्यू पोस्टर रिवील किया ऑफ प्रभास सर, जहाँ पर वो उनके कैरेक्टर का नाम रिवील करा गया है जो कि भैरव होने वाला है, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड उस पोस्टर में टीज करते हुए उन्होंने ये भी दिया था कि फ्रॉम द फ्यूचर स्ट्रीट ऑफ काशी, मतलब कि ये कैरेक्टर काशी का मूल निवासी होने वाला है। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, काशी शहर दूसरा स्थान है जहाँ पर महादेव विराजमान होते हैं कैलाश पर्वत के अलावा। एंड वहीं पर एक चीज और मान्यता है कि काशी शहर भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ है। अब जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि दिस फिल्म इज ऑल अबाउट कल्कीस कैरेक्टर, जो कि भगवान विष्णु का 10th एंड लास्ट अवतार होने वाला है। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म के अंदर प्रभास सर के कैरेक्टर का नाम भैरव क्यों है? एंड इनके टीजर में भी हमें शिवलिंग के कुछ साक्ष्य दिखाए गए कि भाई शिवलिंग से डेडिकेटेड है मूवी के पोस्टर का महाशिवरात्रि के दिन रिलीज होना। एंड उसके बाद उसके कैप्शन में फ्रॉम द फ्यूचर स्ट्रीट ऑफ काशी जैसी बातें लिखना। इन सारे इंडिकेशन से इतना तो हम जान ही सकते हैं कि इस फिल्म के अंदर जो भैरव का कैरेक्टर है वो भगवान शिव के एक प्रतिरूप के रूप में हमें नजर आएगा। एंड द क्वेश्चन इज कि अगर इस फिल्म के अंदर प्रभास सर भैरव यानी कि भगवान महादेव को डेडिकेटेड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो फिर कल्कि कौन प्ले करने वाला है? एंड इस चीज के लिए मेरे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, जिनमें से मेरी सबसे पहली थ्योरी ये है कि मे बी ये दोनों ही कैरेक्टर सेम होने वाले हैं। दैट मींस कि भैरव ही कल्की होने वाला है, विच मींस भैरव माइट बी द अल्टर ईगो ऑफ कल्की, जो कि अपनी पावर्स को एंड अपनी स्ट्रेंथ को भूल चुका है। एंड बाद में जब वो अश्वस्थामा से मिलेगा, जैसा कि अमिताभ बच्चन सर इसमें प्ले कर रहे हैं, तो शायद उसे अपनी पावर्स का एहसास हो जाए। ये बिल्कुल उसी तरह का मेटाफर है जैसे कि रामायण में हनुमान जी को अपनी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं था, वो एक्चुअली में भूल गए थे एक ऋषि के श्राप के द्वारा। एंड जामुन जी ने उन्हें बाद में उनकी स्ट्रेंथ को याद दिलाया था, तो मैं भी कुछ ऐसा हो सकता है। सेकेंड थ्योरी मेरी यहाँ पर ये है कि इस फिल्म के अंदर मे भी ये जो कल्की शब्द यूज करा गया है ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रोजेक्ट टाइप में हो, जैसा कि हमें वो ट्रायंगल शेप में दिखाया भी जा रहा है। एंड इसका पहले नाम भी प्रोजेक्ट के था, यानी कि प्रोजेक्ट कल्की से रिलेटेड। तो मे बी 2898 AD में कोई एक टेक्नोलॉजी है जो कि कली को ख़त्म करने के लिए कोई वेपन वगैरह बनाया जा रहा है, कल्की को एक वेपन के तौर पे दिखाया जाए, ना कि एक इंसान के तौर पर। एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा भैरव का कैरेक्टर है, अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एंड हरिहर शब्द से तुम वाकिफ होगे, जहाँ पर भगवान विष्णु सबसे बड़ा आराध्य अपना भगवान शिव जी को मानते हैं। तुमने रामायण में भी देखा होगा कि वो समुद्र के किनारे एक शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। एंड वहीं पर महादेव भी अपना सबसे बड़ा आराध्य जो है श्री हरि को ही मानते हैं। तो मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा वो सपोर्टिव टाइप, एकदम ब्रदरहुड वाला। ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, ऐसा कुछ तुम बॉन्ड मान सकते हो। सो मे बी इस फिल्म के अंदर भैरव का कैरेक्टर इस प्रोजेक्ट के को यानी कि कल्की के प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, जब अश्वस्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन उसे इस प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे। एंड क्योंकि वो भाई भगवान शिव का ही एक अंश है या फिर उसका ही उनका ही एक प्रतिरूप है। अब इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही होंगी ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो बस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। बाकी अपने भाई डायरेक्टर साहब ही, नाग अश्विन साहब भी जाने, उनसे मुझे कांटेक्ट अभी तक हो नहीं पाया है क्योंकि तुम थोड़ा सपोर्ट कम कर रहे हो। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो भी होगा वो टीजर एंड ट्रेलर आने के बाद थोड़ा थोड़ा पता ही चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो जब थिएटर में हम 9 मई को देखने जाएंगे तब पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए वेट करो। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन सी थ्योरी पे तुम बिलीव करते हो वो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी भैरव के कैरेक्टर को लेकर और कुछ क्वेरीज हैं, कुछ बता सकते हो तो वो भी बताओ। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद।